खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गाय हमारी माता है, गाय के नाम पर खून क्यों हो जाता है? गांधीगिरी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, गाय हमारी माता है, लेकिन उसी गाय के नाम पर देश में आए दिन झगड़े होते हैं, गुंडागर्दी होती है, यहां तक कि लोगों का खून भी होता है। आखिर गाय को लेकर इंसानों के बीच इतनी नफरत और हिंसा क्यों है? इसका हल आखिर क्या है? गांधी जी के पास इन सवालों का न सिर्फ जवाब था, बल्कि उन्होंने गाय के हक में देश को एक रास्ता भी दिखाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के मौके पर सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खास पेशकश। सनसनी में आज देखिए गाय के लिए गांधीगिरी। गोरक्षा का मौजूदा तरीका देखकर मेरा दिल अकेले में रोता है। मेरा दिल गोरक्षा के अनर्थ पर रोता है। मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू को गोवध के कारण मुझसे ज्यादा सख्त चोट पहुंचती होगी, मगर मैं क्या करूं? मैं अपने धर्म का पालन करूं या दूसरे से करूं? जिस तरह मैं गाय की पूजा करता हूं, उसी तरह मनुष्य की भी पूजा करता हूं। गाय के नाम पर हिंदू मुसलमानों के झगड़े, गाय की रक्षा के लिए खून खराबा, ये देखकर गांधी जी बेहद दुखी थे, चिंतित थे कि ये जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, यही गौभक्षक है। गाय की रक्षा का सवाल क्यों राजनीति और मजहबी झगड़े में फंसा है? गाय के लिए आज हमें गांधी को याद करना क्यों जरूरी हो गया है? ये सवाल हमें भारत के उस लहू लुहान अतीत में ले जाते हैं जब गाय के नाम पर दंगे और विद्रोह हुए, इंसानों का खून बहा। साल 1870, पंजाब में ब्रिटिश सरकार के कई बूचड़खानों पर नामधारी सिखों ने हमला बोला। गौहत्या के खिलाफ लड़ने वालों को फांसी दी गई। साल 1883 में बंबई से लेकर बनारस तक गाय की कुर्बानी को लेकर कई जगह दंगे हुए। 3 साल बाद ही 1886 में पंजाब में बकरीद के दौरान गाय के मांस को लेकर दंगे हुए। साल 1893 में आजमगढ़ मऊ में गाय की हत्या पर भीषण दंगा हुआ, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए। साल 1909 से 1917 के बीच कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, पटना और गया में गौ हत्या को लेकर कई जगह खून खराबा हुआ। लेकिन इस बीच गाय को लेकर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ। ये आंदोलन गाय की रक्षा का था। जिसकी अगुवाई कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। साल 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। वे गोवध को हिंदू धर्म के खिलाफ मानते थे। स्वामी दयानंद ने गौ रक्षा का नारा देकर गोरक्षणी सभा का गठन किया। उन्होंने गो करुणा निधि नाम की एक पुस्तिका भी लिखी, जिसमें उन्होंने गो हत्या के खिलाफ कई दलीलें दी। उनकी किताबों में, उनकी कृतियों में, उनके प्रवचनों में और उनके पूरे के पूरे सुधार आंदोलन में दूध की, घी की, दही की, इन सब चीज़ों की तारीफ बहुत की गई और गाय को खास तौर पे इस पूरी की पूरी सभ्यता के बीच में रखा गया। गाय को बचाना
ये बात हो गई, जैसे आप वैदिक काल को बचा रहे हैं, जैसे आप आर्य समाज को बचा रहे हैं, जैसे आप एक एक वीर महान आर्य सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने खुद गाय की अहमियत को जाना समझा। उस समय गाय का खेतीबाड़ी खानपान से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान था। साल 1915 में गांधी जी हरिद्वार के कुंभ मेले में गए थे। वहां उन्होंने गाय के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था देखी और गाय के नाम पर चल रहा पाखंड भी देखा। हरिद्वार में मैंने 5 पैरों वाली एक गाय को देखा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ अनुभवी लोगों ने मेरे इस अज्ञान को तुरंत दूर कर दिया। ये 5 पैरों वाली गाय लोभी और दुष्टों के लोभ की ये बलि रूप थी। उसके कंधे को चीर कर उसमें एक बछड़े के पांव को काट कर यहां फंसा देते थे और फिर उसे सी देते थे। ऐसा दोहरा कसाईपन वो लोग अज्ञानी लोगों को ठगने के लिए करते थे। अब ऐसे 5 पैरों वाली गाय को देखने के लिए कौन हिंदू नहीं लग जाएगा, उसके दर्शन के लिए तो जितना दे उतना कम है। भारत के अलग अलग इलाकों में घूमने के दौरान गांधी जी ने महसूस किया कि गाय को धर्म के रंग में रंग दिया गया है। गाय को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन की लकीर खिंच चुकी है। गौरक्षक संगठन इसे हिंदू आस्था का सवाल बनाकर झगड़े को और हवा देने में लगे थे। साल 1917 में बिहार के बेतिया की एक सभा में गांधी जी ने गोरक्षा संगठनों की खुलकर आलोचना की। आज गोरक्षा के 2 ही अर्थ रह गए, एक तो ये कि बकरीद वगैरह के मौके पर मुसलमान भाइयों के हाथ से गोमाता को छुड़ाना, और दूसरा ये कि दुर्बल गायों के लिए गौशाला बना। अब मुसलमान भाइयों के हाथ से इस तरह गौमाता की रक्षा करने का ये तरीका तो ठीक नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान की 2 बड़ी जातियों के बीच हमेशा बैर और अविश्वास बना रहता है। 19 जनवरी 1921 को गांधी जी गुजरात के खेड़ा पहुंचे थे। यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने साफ कर दिया कि गाय पर राजनीतिक सौदेबाजी उन्हें मंजूर नहीं है। गाय का झगड़ा खत्म होगा तो भरोसे और त्याग से। जब मुसलमानों को विश्वास हो जाएगा कि हिंदू उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तब वो गाय की हत्या करना बंद कर देंगे। और इसी श्रद्धा से मैं मुसलमानों का संग कर रहा हूं, और मैं तो प्रत्येक हिंदू साधु से कहता हूं कि वे खिलाफत के लिए अपने सर्वस्व की आहुति दें, तो समझा जाएगा कि उन्होंने धर्म की बड़ी रक्षा की है। अभी प्रत्येक हिंदू का धर्म इस्लाम को जोखिम से बचाना है, और सच में अगर ऐसा हुआ तो खुदा ही उन्हें हिंदू को मित्र मानने के लिए प्रेरणा देगा, और हिंदू भी मुसलमान को अपना मित्र मानेगा। और जब मुसलमानों को विश्वास हो जाएगा कि हिंदू उनके लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, तो वो गाय की हत्या करना बंद कर देंगे। अली भाइयों ने तो गोमांस ले जाना बंद कर दिया है, उनके तो रसोई में वो ले जाना मना है। अली भाई ने अपने पड़ोसी का धर्म निभाया है, उसका पालन किया है। कुरान में तो कहीं नहीं कहा गया है कि मुसलमानों को गोमांस खाना ही चाहिए। गांधी मनुष्य के अंदर का जो चेतन तत्व है, चिंतन तत्व है, उस पर भरोसा करता है और मानता है कि अंदर से आदमी अगर किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा तो बाहर से थोप कर उसे जबरदस्ती मनवाया नहीं जा सकता। गांधी जी की कोशिश थी कि गोहत्या को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव ना हो। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि गाय से ज्यादा जरूरी है इंसान की रक्षा। जैसे मैं गाय को पूछता हूँ, वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूं। जैसे गाय उपयोगी है, वैसे ही मनुष्य, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है,
अब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? गौ हत्या पर सांप्रदायिक टकराव और बहस के बीच गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि देश में गाय की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उस समय गुजराती पत्रकार नवजीवन में छपे एक पत्र के मुताबिक देश में करीब 1,500 बड़ी गौशालाएं थी। ज्यादातर गौशालाएं गोमंडल संस्था, धर्माचार्यों और मंदिरों के दान से चलती थी। गौशालाओं की हालत खराब थी। दूसरी ओर बड़े शहरों के कसाई खानों में बड़े पैमाने पर गौवध जारी था। बंबई के बांद्रा और कुर्ला कसाई खानों में हर रोज 600-700 गाय भैंसों को मारा जाता था। वहीं आबादी के हिसाब से दूध घी का उत्पादन बहुत कम था। इन सवालों के साथ 25 जुलाई 1928 को साबरमती आश्रम में एक बैठक हुई। इस सभा में अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल को भंग कर दिया गया और एक नया संगठन बनाया गया, गो सेवा संघ। विनोबा भावे गो सेवा संघ के अध्यक्ष बने। विनोबा जो हैं वो गांधी परंपरा के सबसे प्रखर व्यक्ति हैं गांधी के बाद। अगर विनोबा नहीं हुए होते तो शायद गांधी को पहचानने में हम लोगों को दिक्कत होती है। इतना बड़ा हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है विनोबा का। तो विनोबा जब आते हैं तो वो सहज समझते हैं कि गांधी जिस ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं उसमें गाय का होना जरूरी है, और गाय तभी बच सकती है जब पूरा समाज गाय की सेवा करेगा, इसीलिए वो गो सेवा संघ में शामिल हो। गो सेवा संघ के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भूमिका में लिखा गया, हिंदू गो रक्षा को अपने धर्म का विशेष अंग मानते हैं, पर इसके गलत अर्थ चल पड़े। असल में गाय की रक्षा के नाम पर मनुष्य द्रोह धर्म कदापि नहीं हो सकता, इससे या जोर जबरदस्ती से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। जो लोग गऊ वध को बुरा नहीं समझते, उनसे झगड़ने के बदले उनके बीच में जा करके उनको अपने प्रभाव से समझाकर गाय की नस्ल बढ़ाने के लिए, गोवंश की वृद्धि के लिए और गो शास्त्र में ज्ञान की वृद्धि और जानकारी बढ़ाने के लिए उनके बीच में जाकर इसके प्रचार और प्रसार की जरूरत है। पहले गो रक्षा का काम हुआ और गांधी जी ने बाद में उसको बदल कर गो सेवा कर दिया। गो रक्षा में हमेशा ये भावना है, शब्द में ही ये भाव है कि कोई है जो गो रक्षा नहीं करना चाहता है, उसके सामने हम खड़े हैं गो रक्षा करने के लिए। इसमें से संघर्ष पैदा होता है। इसीलिए गांधी जी ने कुछ समय के बाद अपने अनुभव से ये देखा कि गाय की रक्षा का सवाल समाज में लड़ाई खड़ा कर रहा है। तो जो बात उन्होंने कही थी कि गाय की रक्षा के लिए किसी मनुष्य को नहीं मारा जाना चाहिए, वो बात वहाँ टूट रही थी, इसीलिए उन्होंने उसको बदल दिया। उन्होंने कहा गो रक्षा नहीं करनी है, गो सेवा करनी है। गांधी जी ने गाय की नस्ल और उससे जुड़े उद्योग धंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया था। वे गो हत्या के भी खिलाफ थे और बड़ी बात ये थी कि वे गो हत्या को रोकने के लिए कानून बनाने के पक्ष में भी नहीं थे। आजादी से ठीक पहले देश जब दंगों की आग में जल रहा था, उस समय एक बार फिर गोरक्षा के लिए कानून बनाने की बात जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर कायम रहे। आजकल मेरे पास तार पर तार आ रहे हैं कि मैं गौवध बंद करवाऊं, मगर हकीकत यह है कि ये जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं यही गौभक्षक हैं। मैं तो यही कहूंगा कि गाय की पूजा करने वाले भी हम ही हैं और गाय का वध करने वाले भी हम ही हैं। गांधी जी ने हमेशा ये माना कि गाय की हत्या कानून से नहीं रोकी जा सकती। आज केंद्र सरकार के पास सीधे तौर पर देश भर में गो हत्या रोकने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में यह राज्यों पर छोड़ा गया है कि वे लोगों की भावनाओं, रीति रिवाजों और प्राथमिकता के अनुसार गोरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। देश के 11 राज्यों ने गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। 8 राज्यों में गौ हत्या पर आंशिक प्रतिबंध है, यानी गाय और बछड़े को मारने पर रोक है
लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाजत है, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।